प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति निकेतन के विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में बांग्लादेश भवन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बैनर्जी भी मौजूद थी। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने शेख हसीना के साथ बांग्लादेश भवन का मुआयना भी किया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। शांति निकेतन के विश्व भारती यूनिवर्सिटी का यह दीक्षांत समारोह था, जिसमें यूनिवर्सिटी कैंपस में बांग्लादेश भवन का उद्घाटन भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पहला ऐसा दीक्षांत समारोह है जिसमें दो देशों के प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बैनर्जी भी मौजूद थी। और भारती यूनिवर्सिटी पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी जब पीएम शेख हसीना और सीएम ममता बैनर्जी के साथ कैंपस में पहुंचे तो लोगों ने मोदी मोदी के नारों के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी में जय श्री राम के नारे भी लगे। यहां पीएम मोदी और शेख हसीना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हो रहे थे। यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले हेलीपैड पर एक अनोखा वाक्य भी हुआ। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका था, लेकिन ममता बैनर्जी को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। वो भागते हुए हेलीपैड की ओर आ रही थी, तब पीएम मोदी ने उन्हें रास्ता दिखाया। आई डिक्लेयर द कॉन्वोकेशन ओपन। और ये देखिए तस्वीरें जिनका हम जिक्र कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जब दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे तो हेलीपैड पर ये तस्वीरें देखने को मिली। पीएम मोदी दरअसल हेलीकॉप्टर से पहुंच चुके थे, लेकिन ममता बैनर्जी को पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा। जाहिर तौर पर वो लेट हो गई थी, तो भागते हुए हेलीपैड की ओर आ रही थी, तब पीएम मोदी ने उनसे कहा कि संभल कर आइए। और पीएम मोदी ने अपने भाषण से पहले सबसे पहले विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी के छात्रों से माफी क्यों मांगी, आपको ये दिखाते हैं। विश्व भारती के चांसलर के नाते आप सबकी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो कुछ बच्चे इशारे से मुझे समझा रहे थे कि पीने का पानी भी नहीं है। आप सबको जो भी असुविधा हुई है चांसलर के नाते, ये मेरा दायित्व बनता है और इसलिए मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांग करके मेरी बात का